नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां पर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नवीनीकरणीय और साथ ही ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा। तो वहीं शिमला में राजस्व बागवानी और साथ ही जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता की और वहीं उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में दी जाने वाली बालन की बढ़ी हुई कीमतों में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया है। साथ ही आपको बता दें कि वन निगम ने बालन के कीमतें 1300 रुपये से अधिक प्रति क्विंटल कर दी गई है, जिसमें राहत देते हुए सरकार ने अब वन निगम को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को 805 रुपये प्रति क्विंटल बालन और मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में भी जनजातीय क्षेत्रों में बालन का काफी इस्तेमाल होता है और इसलिए सरकार ने लोगों को दाम पर राहत दी है। और साथ ही उन्होंने बताया कि NH5 पर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत चीन बॉर्डर्स के लिए भी इस सड़क का अहम रोल भी है, जिसमें नाथपा के पास लगातार लैंडस्लाइड आ रहे हैं और तभी से लेकर 3 हफ्ते से NH बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सेना के साथ साथ किसानों और बागवानी को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। में जो सर्दियों में बालन लकड़ी फ्यूलवुड जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मार्फत सप्लाई किया जाता है, इस बार फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने इसके रेट्स जो है काफी बढ़ा दिए थे। पर क्विंटल जो है लोकल लोगों के लिए 1300 रुपए से ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन आया कि जो है रेट्स जो है बहुत ज्यादा है और सर्दियां शुरू हो गई है, लकड़ी की डिमांड है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इस बार बेशक हमारे यहाँ भारी आपदा के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। तो ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो अब जो है देंगे इसको फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को, और फ्यूल रेट जो है लोकल से 805 रुपए प्रति क्विंटल जो है जनजातीय क्षेत्रों में चार्ज किया जाए। अब लगातार जो है अभी बीच में तो हम खोलते रहे और स्लाइड होता रहा, पर 4 दिन से कंटिन्यूस स्लाइड हो रहा है रात दिन, तो इस पे अभी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर इस पॉइंट को हमने जो है बायपास करने के लिए हमने एक राइट बैंक से एक बैली ब्रिज लगाकर रोड को जोड़ने का कार्य शुरू किया है, परंतु इसमें भी ये हो गया कि हमारे ब्रिज के जो पार्ट्स हैं वो कुछ ही वहां पहुंच पाए हैं, रोड बंद होने से वो भी उस साइड नहीं पहुंच पाए हैं। तो इधर तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर जैसे अगर 1-2 दिन का भी मौका मिल जाता है यहाँ से तो ब्रिज पार्ट्स हम ले जाकर इसको। तो वहीं सुरेंद्र सेनानी और पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और साथ ही जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन में महान योगदान देने और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमृत सिंह और शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान मौजूद रहे और लाला लाजपत राय को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। मंत्री अमृत सिंह ने भी कहा कि लाला लाजपत राय एक लेखक और राजनेता भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं भी
जिनको जो है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था, बहुत भागीदारी है। अगर हम आज आजाद बैठे हैं तो आजादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रीडम फाइटर और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इस देश को एक महत्वपूर्ण जो है जगह पे पहुंचाया है। आज रिज पे जो स्कैंडल पॉइंट पे उनके प्रतिमा जाके जो है शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, सभी काउंसलर्स और डिप्टी मेयर साथ मिलकर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी के सचिव और राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित की और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में रह रहे भाकड़ा और विस्थापितों के लिए भी परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही बैठक कर इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला में रह रहे भाकड़ा विस्थापितों के करीब 270 परिवारों को कांग्रेस सरकार उनका अधिकार जरूर दिलवाएगी, जिसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी संजीदा भी हैं और जल्द बैठक कर इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की तरफ से आरबीआई से बात कर प्रदेश में सहकारी बैंक की 25 नई शाखाएं खोलने जा रही है, जिसको लेकर भी मंजूरी मिलने के बाद में लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। और आगे उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील में पर्यटन को बढ़ावा देने और वाटर स्पोर्ट गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की खास मौके पर सुनील शर्मा ने भी पत्रकारिता जगत से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रभाव है और सरकार वहाँ कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। मैं विधानसभा में गया था, बड़वा विधानसभा है और डिस्ट्रिक्ट उसका खरगोन है, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी थे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक वहाँ जो दूसरे वाला प्रत्याशी पार्टी छोड़ के भाजपा में चला गया था, उसका बहुत विरोध है। और हमारी वहाँ पे जो बड़वा विधानसभा का मैं प्रभारी था, वो सीट हमारी मिनिमम 35 से 40 हजार के मार्जिन से जीत के सीट आएगी। बिलासपुर आए थे माननीय मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भाखड़ा के जितने भी विस्थापित लोग हैं 270 के आसपास की जो लिस्ट है उसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इसकी मीटिंग लेके उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लोगों को जागरूक करने का काम मीडिया ही का। आपको बता दें कि विस्थापितों को लेकर चर्चा की गई है बिलासपुर में और साथ ही मिलने वाले लाभ पर मंथन भी किया गया है। कांग्रेस सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मुद्दों पर बात की गई और साथ ही ये मुद्दा रहा विस्थापितों को लेकर भी चर्चा की गई और साथ ही मिलने वाले जो भी लाभ हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया। ये मीटिंग जो है वो बिलासपुर में रखी गई, जहां पर कांग्रेस सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विस्थापितों को लेकर चर्चा भी की गई है और मिलने वाले लाभ पर जो है काफी मंथन भी किया गया, विचार किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी सारी जो चीजें हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विस्थापितों को लेकर चर्चा भी की गई है और मिलने वाले लाभ का जो है मंथन भी किया गया है। कांग्रेस सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मुद्दे उठाए और विस्थापितों को लेकर भी जो चर्चा है वो लगातार तेज बनी हुई है, उस पर भी चर्चा की गई। मिलने वाले लाभ पर मंथन को लेकर भी मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा और कांग्रेस सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल भी उठाए और कई मुद्दों पर बात भी की। साथ ही मुद्दा रहा विस्थापितों को लेकर चर्चा का, जहां पर विस्थापितों को लेकर चर्चा भी की गई और जो भी लाभ होने वाले हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया। कांग्रेस सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी भी दी और मीटिंग में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर भी विस्थापितों को लेकर चर्चा की है। तो वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां पर दशहरा उत्सव संपन्न हो गया है, तो वहीं यहां पर दिवाली तक की दुकानों को लगाने की अनुमति दी गई थी और ऐसे में अभी भी कई दुकानदार ढालपुर मैदान में कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अब ऐसे में दुकानदारों को हटाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से अभियान भी चलाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से इन दुकानों में लगी बिजली की कनेक्शन को काट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ढालपुर मैदान में व्यापारी सामान बेचने के लिए डटे हुए हैं। तो
व्यापारियों को पहले भी जब उनको अलॉटमेंट हुई थी तब भी निर्देश दिए गए थे कि 12 नवंबर के बाद वो दुकान खाली करेंगे। इसके बाद हमने रात को अनाउंसमेंट भी करवाई थी, रात को इनकी बिजली भी काटी गई थी और अब आज इनको फोर्सफुली यहाँ से एविक्ट किया जा रहा है। हमारे पास इनका सिक्योरिटी है, हमने इनको वार्निंग दी है कि अगर आज भी ये खाली नहीं करेंगे तो इनकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी। हम दुकानदारों को चिन्हित करेंगे, जो दुकानदार नहीं दुकान छोड़ रहे हैं उनको अगले साल के धर्मशाला अगले साल बिजली तैयार करने वाला शहर बनकर उभरेगा और स्मार्ट सिटी की ओर से लगने वाले सोलर पैनल तैयार होने वाली बिजली पावर ग्रिड को भी बेची जाएगी। इससे नगर निगम को सालाना लाखों रुपए की आय होगी और विद्युत खर्च में भी कटौती होगी। पार में जो है सोलर सिस्टम जो लग रहा है वो 1600 किलो वाट का सोलर सिस्टम लग रहा है। इससे हमें बहुत फायदा होगा, जो हमारा स्ट्रीट लाइट जो हमारे धर्मशाला में जो स्ट्रीट लाइट का खर्चा है वो है कम से कम पर ईयर का 20 लाख, लगभग 20 लाख रुपए है। तो हमें जो है वो इसमें काफी फायदा मिलेगा। ये 420 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमें नगर निगम को जो है वो इससे बहुत फायदा होगा। सोलर से जो बिजली होगी वो हम अपने पूरे जो 4-5 वार्ड यहाँ पर लगते हैं उसमें सब जो बिजली इसके तो वहीं 17वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया, जिसमें सहकारी सभाओं के कार्यों और उनके समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला का जिला स्तरीय सहकार सप्ताह नाहन में आरंभ हुआ। इसका शुभारंभ राज्य को ऑपरेटिव बैंक के जिला निदेशक भारत भूषण मोहिल ने किया। इस अवसर पर सहकारी सभाओं से आए प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और साथ ही कई सभाओं ने अपने बनाए गए उत्पादों को भी प्रदर्शित किया। हमारा जो लक्ष्य है सहकारिता का वो आम किसानों तक, इस सहकारिता में सबसे ज्यादा जो लाभान्वित लोग हैं वो कृषि क्षेत्र के लोग होते हैं। इसमें कृषि सहकारी सभाएं जो है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कृषि में विपणन समिति मंडी समितियां हैं, हिमफेड है, इफको फेड है, तो इस तरह की हिम बुनकर है, ये सारी जो सहकारी सभाएं हैं वो अपने अपने ग्रुप में जो हमारे स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रियां हैं वो भी सहकारी सभाओं के तहत चलती है। तो इस आंदोलन को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार, हिमाचल सरकार हर साल सहकारी सप्ताह का आयोजन करती है और क्षेत्र में जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सबको सहकारिता के बारे में ज्ञान देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।